तो आप जैसे देख सकते हैं हम लोग ने अभी बस बोलिंग चालू करने वाले हैं और ये वीडियो टू है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो आई बटन में दे दूंगा इधर, तो बस उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट है और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने वो वहीं एडिट करके वहीं छोड़ दी और ये सेकेंड वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चार लेन और मस्ती जोन और ये यहाँ पे है बोलिंग की आप लोग। तो ये अपना पहला शॉट और ये न्यू वाली बॉल और ट्राई करके स्ट्राइक की, तो जो पहला वाला शॉट है वो मुझे बेकार जाता है, बट देखते हैं क्या होता है। अब ये दूसरा शॉट और जैसी सिचुएशन आप बनी है ऐसा लगता तो नहीं है कि हमारा स्पेयर हो सकता है, लेकिन एक कोई गिरा दे कोई बॉल बचता नहीं। नहीं और यहाँ पे बेहद गंदा स्कोर, 8 पिन्स गिराई हैं, 2 अब बच गई थी और पहला शॉट है भाई सबका बेकार जाता है। अब हम लेके जाएंगे गैलेक्सी वाली बॉल और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब जो है वो हम लोग मारेंगे एक मिस करो एक और हाँ हाँ। तो जो ये है वो कैपेचिनो, ये हमारी डेविल जोन। दोबारा दिल्ली जाने से पहले थोड़ा कॉफी हो जाए ताकि वही जगह रखे हम लोग को नींद ना आए और ये लग अच्छी रही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो कभी ट्राई करना ये सीसीडी में भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉफी थोड़ी लाइट है लेकिन बहुत अच्छा है और कोल्ड वैसी है और इसका डिजाइन बड़ा अच्छा है बाहर से। तो अभी हम लोग जाते हुए जल महल दिखाऊंगा थोड़ा सा और क्योंकि अभी ज्यादा टाइम है नहीं, दिल्ली भी पहुंचना है क्योंकि जाम लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जल महल है और बोटिंग के लिए भाई वो घूम के जाना पड़ता है उधर भाई, ये पूरा खतरनाक है। मैं 10 साल पहले आया था तब भी ये बंद था और 2018 में आ रहा हूँ भी बंद है। ओए बार बार फेंक 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 हाँ तेज फेंक तेज तेज आए हाय ओए आप देख सकते हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, ये मूर्तियाँ और थोड़ा एंटीक पीस। भाई अगर जिंदगी में बंटा नहीं पिया तो क्या पिया, इसको लाइम सोडा ही बोलते हैं लेकिन अपन लोग तो भाई बंटा ही बोलते हैं भाई, एकदम रिफ्रेशिंग होता है। कुछ नहीं है, नींबू है, मसाला है और थोड़ी बर्फ है। भाई अगर जल महल आ रहे हो तो भाई ये विनोद भाई मिलेंगे, ये थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। क्यों विनोद भाई और एक बार बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये रहा इनका ठेला, विनोद विनोद भाई से मिलना है हमको, विनोद भाई से भाई। वो रहा जल महल और अगर आना है तो जल महल के सामने पार्किंग होती है ऐसे और अपनी गाड़ी खड़ी है वहां पे और यहाँ पे भी कर सकते हैं, काफी स्पेस है। और एक बार लास्ट व्यू जल महल का बहुत सही लगता है और अब निकलेंगे डायरेक्ट हम लोग दिल्ली के लिए। चलो भाई अब दिल्ली के लिए। ये राजस्थान बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर गोइंग थ्रू जयपुर बोल और हम लोग निकलते हुए दिल्ली के लिए और ये वाला जो रोड है वो है आमेर रोड। आमेर रोड और बहुत ही प्यारा रोड है, पूरा ऐसा फीलिंग हो रहा है कि भाई हम लोग हिल्स पे चला रहे हैं और ये बस और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत मजा आ रहा है चलाने में। रोड भी बहुत अच्छी है, क्लासी फीलिंग। यहाँ अगर बारिश आए बहुत तेज बिल्कुल तूफान वाली बारिश तो लैंडस्लाइड हो सकती है। ये व्यू 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 देखा जाए
और ये नजारा देखिए, बहुत प्यारा नजारा है। पूरा किला किला, राइट में दीवारें जा रही हैं, ऊपर टॉप पे पीक जो दिखाई दे रही है वहां तक जा सकते हैं। और ये वाला बेसिकली जो आमेर फोर्ट है, यहाँ पे सारी जीप आती हैं, तो अगर आपको जाना है तो ये जीप वहां तक ऊपर तक लेके जाते हैं। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है या आप खुद की गाड़ी में नहीं जाना चाहते तो ये जीप है, आपको मिल जाएगी। और बार्गेनिंग कर लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जीप वहां तक जाती है, आपको एकदम जहां तक जीप चलती है वहां तक छोड़ देगी, फिर वहां से आपको पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा और फिर आप पहुंच जाएंगे आमेर किला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, तो जब मैं पहले आया था तब देखा था और बहुत ही सही था। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उड़ता पंजाब का, और ले गया ले गया ले गया ले गया। और ये रहा उड़ता पंजाब, ये रहा उड़ता पंजाब। तो अभी देख सकते हैं फ्लाईओवर के पीछे कितना तगड़ा पहाड़ लग रहा है, पूरा बहुत बढ़िया। पहाड़ देखो भाई, बहुत मजा आ रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है। बट यार दिस इज फुल ऑफ एक्सेसरीज, एक्सरसाइज फुली लोडेड। इतना पैसा में इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा पहाड़ को तो बस बाय बाय करते हुए, बाय बाय पहाड़। ये देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और यह बंदा बैठा हुआ है देखो जनरेटर के पास में, ये क्या कर रहा है? वही। अरे बहुत लंबा है भाई, अभी भी खत्म नहीं हुआ, इतने आगे आ गए। और सोचो इसको जो खींच रहा होगा उसमें कितनी पावर होगी इंजन में। और देखो टायर ही टायर है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, तो इसमें है कुछ मिला के 16x16 का है ये, बोला 16x16 और भी ज्यादा 32x32 का ये टायर। 64 टायर भाई साहब, इतना बड़ा 64 टायर। और आगे जो ट्रक चल रहा है उसके तो गिने ही नहीं, सिर्फ उस पोडियम की गिने जिसपे ये टिका हुआ है। तो अभी बस दिल्ली बचा है 150 किलोमीटर। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने या 401.5 किलोमीटर पूरे दिन में भी चला चुके हैं और स्टिल 150 बचा हुआ है। और रात को आप जैसे कि सामने देख सकते हैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बस रात को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, ज्यादा तेज ना चलाएं, अपने कंट्रोल में चलाएं और मजे से चलाएं। कोई ढाबा है गाड़ी से, बाकी बस अभी 150 किलोमीटर बचे पड़े हैं और बहुत 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 मजा आ रहा है। कहीं से भी चलिए ना, कहीं से भी चलिए। तनुज वाज डन अराउंड 424.4, हाँ क्लियर। वी हैव डन दिस मेनी किलोमीटर्स एंड आई नेवर फाइंड एनीथिंग एज फार एज कहाँ कह रहा है, मैं नो कह रहा था सकल पे तो ना दिख रहा, 400 चला को आया जो सकल पे, हाँ घरों फ्रेश एकदम फ्रेश लग रहा हो, जैसे फ्रेश लग रहा है फिर क्या हो रहा है, फ्रेश लग रहा हो जैसे अभी 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 फ्रिज से निकालो टमाटर जैसा ना हो तो लाल 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 मटर की तरह सब्जी वैसे लाल लाल टमाटर लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। अभी फूटे है ना, फूटे ना आज अंडा ना आज फूट जाएगा, टमाटर भी तो फूटा कर, टमाटर फूटे ना भाई, जान दे जान दे भाई। और ये वो टोल वाला बंदा है जिसको हमने दिया है अपना स्लिप, आज तक देखा था ना, और इसको भैया हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है तुम्हारा? अरुण कुमार, अरुण कुमार, सब्सक्राइब करो अनदर इंजीनियर, अनदर इंजीनियर चाचा चाचा। तो
जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब फोकस आया। तो 449.5 हमने कर लिया है और हम चाबी निकाल देते हैं, बाहर चलते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर कवर कर लिया और हम यहाँ रुके हैं प्रेम भोग पे। और ये देख सकते हैं ये नई मराजो लेके आए हैं और इन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी, नई मराजो और इसके व्हील्स एक्चुअली में अच्छे लग रहे हैं। और बाकी ये अपना हाईवे और यहाँ पे गाड़ियां रुकी हुई हैं काफी। हम लोग को 7:05 हो रहा है और हम लोग वहां से चले थे 4:45 पे, तो एक्चुअली काफी ज्यादा कवर कर लिया हमने अच्छे से, बट बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग को मास्ट रैबिट, इनको ठंड लग रही होगी नहीं लग रही होगी, बट बाकी अब भाई ये लग तो अच्छा रहा है, कॉफी पी के देखते हैं कैसा है। बाकी होटल में दिखा देता हूँ भाई, ऐसा है सब लोग मस्ती करते हुए और अभी बताएंगे। तो अंदर का भी इन्होंने सीटिंग एरिया कर रखा है, बाहर का भी सीटिंग एरिया है। तो भाई 15 मिनट का ब्रेक करते करते हो गए 20 मिनट और मैंने दोबारा से चॉकलेट शेक पिया क्योंकि बहुत ज्यादा पसंद है। और अब कोई ब्रेक नहीं, सीधा दिल्ली। तो अभी 100 किलोमीटर है और अभी हम लोग को 1.5 घंटा लग सकता है, 1.5 से 2 घंटे तो मान के चलो गुड़गांव में हम लोग को जाम मिल सकता है। कैमरा हाय कर दो, हाय। अरे वाह, यहाँ लग चुका है बहुत ज्यादा जाम और आगे देखो झाड़ी लेके जा रहे हैं वो ट्रैक्टर वाले, उनका कैमरा तो सुना ही होगा, मजा आ गया सुन के। और पता नहीं क्यों यहाँ पे जाम लगा हुआ है, सब लोग राइट में मुड़ रहे हैं, मैं बीच वाली लेन में हूँ। ओहो, जैसे कि आप देख सकते हैं शिट, तो इसलिए हम सबको राइट मुड़ना ही पड़ेगा। नहीं, इसका भी टायर खुटा है, लगता है एक्सल टूट गया। Somebody has died. हमने जो पीछे देखा वहां पे शायद एक बंदा मर गया था, तो उसको बोरी से कवर किया था। तो दोस्तों हमारे हो गए हैं 501 किलोमीटर और जस्ट टाइम हो रहा है हमारा 8:40 और 1 घंटे में हम लोग होंगे अपने घर घर। तो बड़ा मजा आ रहा है और अभी हम लोग लेंगे लेफ्ट से ओवरटेक। I-20 वाला सोच रहा हूँ, अरे भाई दिल्ली से है। तो आप देख सकते हैं 80 किलोमीटर आज हमारा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट्स में जो भी जर्नी के बारे में क्वेरीज है वो कमेंट करें, मैं उनके आंसर दे दूंगा। टिल देन जय हिंद। यो 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 यो।